नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस थोड़ी सी देर में होने वाली है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान महत्वपूर्ण ये होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों को रखते हैं। सीएम बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होगी भजनलाल शर्मा की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा अब से थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे और बातचीत करेंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने आज शपथ ग्रहण की है और उसके बाद आज क्योंकि उनका जन्मदिन भी है, अपने समर्थकों के साथ वो मुखातिब हुए थे, उनसे मुलाकात की थी जाकर के उन्होंने और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी, केक भी काटा गया था। और अब जो बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से मुखातिब हो गए आकर के। बातचीत के दौरान क्या कुछ वो बोलते हैं, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी। महत्वपूर्ण ये इस वजह से भी है क्योंकि सीएम की शपथ लेने के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहली बातचीत जो होगी वो मीडिया से वो करेंगे और जिसको राजस्थान की जनता भी सुनेगी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने जनाधार देके सीएम की कुर्सी पर भजनलाल शर्मा को विराजमान करवाया है। और अब वो अपने संबोधन में क्या कुछ बोलेंगे जब मीडिया से मुखातिब होंगे, राजस्थान की जनता का किस तरीके से धन्यवाद देंगे, क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। जानकारी ये है कि अब से थोड़ी सी ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा मीडिया के सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बातचीत भी करेंगे, क्योंकि बैठक भी हुई थी आज बताते चलें। और अब माना यह जा रहा है कि ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर जिस तरीके से वहां पर सबसे पहले कानून व्यवस्था को देख करके सीएम ने फैसले लिए थे, तो वैसी तस्वीरें नजर आएंगी। भजनलाल शर्मा को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिला दी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। शपथ लेने के बाद जब सीएम भजनलाल ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया तो मोदी ने उनकी पीठ को थपथपाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक साथ बैठे हुए नजर आए। तीनों नेता देर तक हंसी मजाक करते रहे क्योंकि अब राजस्थान में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए आप। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। इन शब्दों के साथ ही राजस्थान में भजनलाल शर्मा के राज की शुरुआत हो गई। अब मरुधरा की कमान भजनलाल शर्मा के हाथों में है और इसका साक्षी पूरा भारत देश बना है। साथ ही अल्बर्ट हॉल भी एक और ताजपोशी का गवाह बन गया, जहां राज्यपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। शपथ के साथ ही भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें सीएम भी बन गए। वहीं राजस्थान को 33 साल बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी मिला। शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया तो मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिया कुमारी। भजनलाल शर्मा के साथ ही राज्यपाल ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को भी शपथ दिलाई। भारत के संविधान
यह ऐसा पल था जो राजस्थान बीजेपी के इतिहास में पहली बार हो रहा था, जब दो डिप्टी सीएम शपथ ले रहे थे। इसके साथ ही एक संयोग और भी था। इस बार सत्ता का केंद्र जयपुर जिला बन गया है, जहां सीएम और दोनों डिप्टी सीएम जयपुर जिले से ही हैं। कुमारी, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। हालांकि इस ऐतिहासिक पल के गवाह बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी बने। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता भी शामिल हुए। वहीं एक तस्वीर ऐसी भी थी जो ऐतिहासिक थी। इस फोटो में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक साथ बैठे हुए नजर आए। इसे आप संयोग कहें या कुछ और, लेकिन इस तस्वीर की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। संकल्प है, मैं भजन लाल जी को, आदरणीय दिया कुमारी जी को, आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, तीनों को हृदय पूर्वक बधाई देते हुए राजस्थान के सब कार्यकर्ताओं का, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का हृदय पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, एमपी के मोहन यादव, असम के हेमंत बिस्व शर्मा और गोवा के प्रमोद सावंत समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भजन लाल की शपथ के साक्षी बने। भजन लाल शर्मा की ताजपोशी के समय तीन मंच तैयार किए गए थे। एक मंच पर देश भर से आए साधु संतों को बैठाया गया, वहीं दूसरे मंच पर सभी नेतागण बैठे हुए थे, वहीं तीसरा मंच सिर्फ शपथ के लिए बनाया गया था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल और शपथ लेने वाले तीनों नेता बैठे हुए थे। वहीं बीजेपी के सभी विधायक भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और राजस्थान में बदलते युग की तस्वीर के गवाह बने। लेकिन सभी की जुबान पर सिर्फ पीएम मोदी का ही नाम था और सीएम भजन लाल शर्मा को शुभकामनाएं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल था। बड़ी संख्या में लोग भजन लाल की ताजपोशी को देखने पहुंचे थे, साथ ही लड्डू भी बांटे गए और नए सीएम का जन्मदिन भी मनाया गया। भजन लाल शर्मा के लिए जन्मदिन पर इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।